मैं हूं नुमान सत्तार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 2023 में कैनेडियन शहरियों के लिए आसानियां पैदा करने का मिशन। कैनेडियन वजीर आजम और इनकी काबीना मुआशी मसाइल के हल के लिए हैमिल्टन में अहम इजलास करेंगे। ट्रूडो का कहना है कि हमारी बैठक कमजोर तबके को मजबूत करने के लिए होगी। कैनेडियन हुकूमत शाम में कैद 19 कैनेडियन खवातीन और बच्चों को वापस लाने के लिए राजी हो गई। दरख्वास्त गुजारों के वकील का कहना है कि खवातीन और बच्चों की रिहाई और वापसी को महफूज बनाने के लिए एक मुआहदा तय पा गया है। हुकूमत कैनेडियन शहरियों को घर लाने की सलाहियत रखती है। टोरंटो शहर में बर्फबारी का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। साइबेरिया में पोलर वॉर्टेक्स से कैनेडियन इलाकों के मुतासर होने का खदशा। यूक्रेन में नाकामी पर जौहरी जंग हो सकती है, रूस की वार्निंग। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद 2.5 अरब डॉलर की फौजी इमदाद का ऐलान। अमेरिका का इत्तेहादियों से जदीद टैंक और भारी हथियार यूक्रेन को फराहम करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में 15 सालों में शदीद तरीन सर्दी, एक हफ्ते में 78 अफराद जाँ बहक। अफगानिस्तान में दर्जा हरारत -34 डिग्री तक गिर गया। नाज़रीन हेडलाइंस आपने जानी और अब चलते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम 2023 में तमाम कैनेडियंस के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल और एक मजबूत मईशत बनाने के लिए अंथक मेहनत करते रहेंगे। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल काबीना के वज़रा अगले हफ्ते 23 से 25 जनवरी तक 3 रोज़ के लिए हैमिल्टन में जमा होंगे। वजीर आजम के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि काबीना अच्छी दरमियानी तबके की मुलाजमतें पैदा करने, महारतों और तरबियत में सरमायाकारी और कैनेडियंस के लिए बेहतर सेहत की देखभाल फराहम करने में मदद के जरिए लोगों की मदद जारी रखने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि काबीना की ये बैठक मुतवस्सित तबके और उसमें शामिल होने के लिए सख्त मेहनत करने वाले लोगों के लिए जिंदगी को मजीद सस्ती बनाने के लिए हमारी मुसलसल कोशिशों को आगे बढ़ाने के साथ साथ कैनेडियन कारकुनों और कारोबारी इदारों के लिए नए मौके से फायदा उठाने का एक अहम मौका होगा। उनका कहना था कि हम 2023 में तमाम कैनेडियंस के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल और एक मजबूत मईशत बनाने के लिए अनथक मेहनत करते रहेंगे। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि काबीना के अरकान मौसमियाती तब्दीली से लड़ने और माहौल दोस्त मईशत की तामीर के लिए हुकूमत के काम को भी आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जिद्दत को जारी रखना, सप्लाई चेन को मजबूत करना और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज की तामीर शामिल है। शाम में कैद 19 कैनेडियन खवातीन और बच्चों की रिहाई और वापसी को महफूज बनाने के लिए एक मुआहदा तय पा गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। कैनेडा हुकूमत ने शाम में कैद 19 खवातीन और बच्चों को वतन वापस लाने पर इत्तेफाक किया है। 6 खवातीन और 13 बच्चों के अहले खाना ने अदालतों से हुकूमत से उनकी रिहाई को यकीनी बनाने का हुक्म देने की दरख्वास्त की थी। उनके वकील का कहना है कि वफाकी हुकूमत शुमाल मशरकी शाम में कैद 19 कैनेडियंस खवातीन और बच्चों को वतन वापस लाने के लिए आगे बढ़ रही है। जेरे हिरासत 23 कैनेडियनों के अहले खाना, 6 खवातीन, 4 मर्द और 13 बच्चों ने वफाकी अदालत से कहा है कि वो हुकूमत को उनकी वापसी का इंतजाम करने का हुक्म दे। उन्होंने इस्तदलाल किया है कि ऐसा करने से इनकार उनके चार्टर के हुकूक की
खिलाफ वर्जी करेगा। कैनेडियन बहुत से गैर मुल्की शहरियों में शामिल हैं जो शामी हिरासती कैंपों में दाइश के मुश्तबा अरकान और उनके अहले खाना के लिए हैं। ये कैंप कुर्द फोर्सेस चला रहे हैं जिन्होंने जंगज़दा इलाके को शिद्दत पसंद ग्रुप से छुड़ा लिया। दरख्वास्त गुजारों के वकील लॉरेंस ग्रेंसपॉन के मुताबिक खवातीन और बच्चों की रिहाई और वापसी को महफूज बनाने के लिए एक मुहायदा तय पा गया है। उन्होंने कहा कि चारों अफराद का मुकदमा अभी भी अदालत के सामने है। उनका कहना था कि ये वाजह है कि कैनेडियन हुकूमत हमारे कैनेडियन शहरियों को घर लाने की सलाहियत रखती है और जहाँ इस बात पर यकीन करने के सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने जुर्म किया है, उन पर फर्द जुर्म आयद करें और उन पर मुकदमा चलाएं। टोरंटो शहर में बर्फबारी का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा, जबकि शहर में बादल भी छाए रहेंगे। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -3 और ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का तवक्को है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर में बर्फबारी का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा, जबकि शहर में बादल भी छाए रहेंगे। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -3 और ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इस वीकेंड पर शहर में बादल छाए रहेंगे, जबकि इतवार के रोज बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब साइबेरिया पर मंडलाते हुए पोलर वर्टेक्स ने इस साल जमीन पर अब तक का सबसे सर्द दर्जा हरारत पैदा किया है और माहिरीन मौसमियात के मुताबिक फरवरी के अवाइल में इसे कैनेडा का रुख किया जा सकता है। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली कैनेडा के सीनियर माहिर मौसमियात डेविड फ्लिप्स का कहना है कि वो फरवरी के महीने में ब्रिटिश कोलंबिया, तमाम प्रेरीज, शुमाल मगरबी इलाकों, यूकॉन और ओंटारियो के छोटे हिस्सों में मामूल से ज्यादा सर्द दर्जा हरारत की पेशगोई कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी ओंटारियो और अटलांटिक कैनेडा में मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहेगा क्योंकि पोलर वर्टेक्स मशरक तक पहुंचने तक खत्म हो जाएगा। टोंगलाक साइबेरिया के एक मौसमी मरकज ने 14 जनवरी को 62.4 -1 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया क्योंकि ठंडी आर्कटिक हवा शुमाली रूस पर मंडला रही थी। वो दर्जा हरारत मरीख पर औसत दर्जा हरारत से सिर्फ 0.3 सेंटीग्रेड है। इतनी ठंड के बेनकाब जिल्द सेकंडों में जम जाए, ये रूस में 2 दहाइयों में रिकॉर्ड किया गया सबसे सर्द दर्जा हरारत है। रूसी हुकाम ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग में नाकामी हुई तो जौहरी जंग हो सकती है, जबकि अमरीका ने यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग में नाकामी हुई तो जौहरी जंग हो सकती है, जबकि अमरीका ने यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। अमरीका की जानिब से यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस और आर्म्ड व्हीकल्स की सूरत में मजीद 2.5 अरब डॉलर्स की फौजी इमदाद का ऐलान किया गया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन और साबिक रूसी सदर देंतरी मेदोफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन में जारी रिवायती जंग में जौहरी ताकत रूस को शिकस्त हुई तो जौहरी जंग छिड़ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि जौहरी ममालिक ऐसे बड़े तनाजात में शिकस्त के मुतहम्मल नहीं होते जिस पर उनकी किस्मत का दारोमदार हो। जौहरी जंग से मुतालिक बयान रूस की पॉलिसी के मुताबिक है। रूस का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने यूक्रेन के लिए नया फौजी सामान भेजने का ऐलान करते हुए मगरबी पार्टनर्स पर जोर दिया है कि वो भी जदीद टैंक और भारी हथियार यूक्रेन को फराहम करें। रूस इससे कबल भी मुतादित मौकों पर जौहरी जंग की धमकी दे चुका है। अमरीका ने यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। नई इमदाद यूक्रेन के लिए 2.5 अरब डॉलर फौजी इमदादी पैकेज का हिस्सा है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक बारूदी सुरंगों से महफूज बनाने वाली 53 गाड़ियां शामिल हैं। हाई मोबिलिटी आल्टरी रॉकेट सिस्टम्स के इजाफी गोला बारूद दिफाई सिस्टम आल्टरी राउंड्स भी अमरीकी इमदाद का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन को अब तक 27.4 अरब डॉलर से ज्यादा सिक्योरिटी इमदाद फराहम की है। वाजह रहे कुछ रोज कबल रूस ने जंग के दौरान कई माह की नाकामियों के बाद मशरकी यूक्रेन में नमक की कानकुनी वाले शहर सोलेदार पर कब्जे का दावा किया था, जिसमें दोनों ममालिक को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने इत्तेहादियों से मजीद हथियारों का मुतालबा किया था। अफगानिस्तान में दर्जा हरारत -34 तक गिर गया है। पिछले एक हफ्ते में शदीद तरीन सर्दी से 78 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं, जबकि मुल्क में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। अफगानिस्तान में 15 सालों में पड़ने वाली शदीद तरीन सर्दी की लहर जारी है। दर्जा हरारत -34 तक गिर गया। पिछले एक हफ्ते में शदीद तरीन सर्दी से 78 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जबकि मुल्क में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -34 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जबकि आइंदा हफ्तों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे के इम्कान हैं। अफगान डिजास्टर मैनेजमेंट के सरबरा अब्दुल्ला अहमदी ने इमदादी तंजीमों से अपील की है कि इन हंगामी हालात में सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफे से मुतासर लोगों की इमदाद के लिए आगे आएं।
अक्वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि ख्वातीन वर्कर्स पर पाबंदी इमदादी कामों में रुकावट बन रही है। 2 करोड़ से ज्यादा अफगानों को फौरी खुराक और इंसानी इमदाद की जरूरत है। अफगान हुकाम के मुताबिक सर्दी से अमवात अफगानिस्तान के 8 सूबों में रिपोर्ट हुई है। शदीद सर्दी से अब तक 70,000 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। अगले चंद रोज में मौसम मजीद सर्द होगा। मुतासर अफराद को इमदाद की फौरी जरूरत है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक राबता दफ्तर ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि अफगान ख्वातीन वर्कर्स पर पाबंदियाँ इमदाद की फराहमी को रोक रही हैं। अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को फौरी तौर पर खुराक और ज़रा इमदाद की जरूरत है। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता माह ख्वातीन के फलाही तंजीमों में काम करने पर पाबंदी लगाई थी। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और खबरों के लिए देखते रहिए टेक टीवी।